Hello everyone, welcome here. Today we'll start our fourth video of the chapter Gaseous State. In this video we'll talk about the Graham's law, effusion and diffusion. From basic with understanding all the core concepts and know how to solve questions, different type of questions based on the theme of effusion and diffusion. This is important for NEET, JEE and 11th class. ये अपने gaseous state chapter का ही एक टॉपिक है और ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आराम से धीरे धीरे अपन समझेंगे और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन. सबसे पहले अपन जानेंगे कि ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या होता है, और ये जानने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन होता क्या है. ठीक है, पता हो तो बहुत बढ़िया, ना पता हो तो अभी अपन पता कर लेंगे. और पता कुछ इस तरह से करेंगे कि अपने पास एक कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अपन ने गैस फिल कर रखी हो. ठीक है, ये गैस फिल कर रखी है अपन ने कंटेनर में. इस कंटेनर में अगर एक छोटा सा अपन ने यहाँ पे होल बना दिया, होल, तो यहां से प्रेशर लगेगा, अंदर गैस का प्रेशर होगा. तो इस होल से अगर अपन होल करते हैं तो गैस यहां से इफ्यूज होएगी, यहां से गैस बाहर निकलेगी, और इसको बोलते हैं इफ्यूजन ऑफ गैस. ठीक है, इफ्यूजन क्या होता है, आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफ्यूजन. जब इफ्यूजन हो चुका होगा तो ये गैस बाहर आएगी. ये गैस बाहर आएगी तो यहाँ पे सराउंडिंग के अंदर कुछ ना कुछ एयर होगी. ठीक है, और इस एयर में यहां से जो गैस आई इसके मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाएंगे, और मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस को ही अपन डिफ्यूजन बोलते हैं. दोनों की इंटरमिक्सिंग होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, उसी होमोजीनियस मिक्सचर को अपन नाम देते हैं डिफ्यूजन. ठीक है, बात करेंगे वन बाय वन इफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है. सबसे पहले इफ्यूजन. इफ्यूजन क्या होता है, द ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एक्यूल्स, मतलब इसे अपन, और इसे अपन बोल सकते हैं एस्केप, एस्केप टू अ वेरी टिनी होल और एपरेचर अंडर प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन. बात की थी अपन ने, कोई ये कंटेनर था, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे होंगे, और अगर छोटा सा होल होता है तो यहाँ से गैस लीक होना स्टार्ट कर देगी, और इसी को नाम देते हैं अपन, इसी प्रोसेस को नाम देते हैं इफ्यूजन. बात करेंगे डिफ्यूजन क्या होता है. तो सबसे पहले अपन ने देखा था डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, मतलब ये थर्मोकेमिस्ट्री में ज्यादा बेटर तरीके से अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का मतलब यही होता है अपने आप, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो रहा हो, जिसे हम नहीं करवा रहे हैं. ठीक है, तो डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, और वी कैन से इंटरमिक्सिंग, सॉरी, और वी कैन से इंटरमिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर गैस. ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक गैस, ठीक है, जैसे वो अपन बात इफ्यूजन की कर लेते हैं, कंटेनर से कोई एक गैस निकली, ये सराउंडिंग के अंदर यहाँ पे किसी और गैस से मिक्स हो जाएगी, और इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरमिक्सिंग को ही नाम देते हैं अपन डिफ्यूजन. ये इंटरमिक्सिंग अपने आप हो रही है क्या, अपन थोड़ी करवा रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के ला रहे हैं, वहीं एयर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के ला रहे हैं और दोनों को बोल रहे हैं भाई मिक्स हो जाओ, अपने आप ही तो हो रहे हैं ना. तो इसी इंटरमिक्सिंग को नाम देते हैं डिफ्यूजन. और यहाँ पे अपन थोड़ा सा एक पॉइंट आगे और लिख लेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर गैस एंड फॉर्म होमो जीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, और यहाँ पे अपन
आगे बात करेंगे कि एक पॉइंट लिखूंगा इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, इसका मतलब क्या होगा? अपने पीछे बात की थी कि ये कोई कंटेनर था, यहाँ पे गैस का प्रेशर था, यहाँ पे छोटा सा होल हुआ, गैस बाहर आई, इसको नाम दिया था अपन ने, क्या दिया था? डिफ्यूजन। बट आगे यहाँ पे ये जो इफ्यूज्ड गैस है इसकी क्या होगी? एयर के गैस, एयर में यहाँ पे सराउंडिंग में गैस होगी, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके साथ इस गैस की इंटरमिक्सिंग होगी, और इस इंटरमिक्सिंग से जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा उसी को अपन क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन। इसलिए अपन ये पॉइंट लिखा अपन ने, और बोल सकते हैं इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन। अब अपन को पता चल गया इफ्यूजन और डिफ्यूजन होते क्या है, तो अपन समझ सकते हैं कि रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या होगी। यहाँ पर रेट का मतलब मैंने जैसे ये एक कंटेनर बना लिया, ठीक है, यहाँ पे इस कंटेनर में गैस फिल कर दी, ठीक है, गैस का कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे अगर होल होता, इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे गैस बाहर आती, बाहर आती तो अंदर की गैस कम होती, और बाहर आती तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाउंट ऑफ गैस कितनी बाहर आती पर यूनिट टाइम में, या गैस की कितनी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में बाहर आती है, मतलब अमाउंट ऑफ गैस को किससे शो करते हैं अपन? मोल्स है, तो कितने मोल्स गैस के बाहर आए, ठीक है, इस होल से पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में, और या फिर कितनी गैस की वॉल्यूम यहाँ से इस होल से बाहर आई पर यूनिट टाइम में, तो ठीक है, इसी को अपन रेट बोलते हैं। जितनी ज्यादा रेट, मतलब अगर गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर ज्यादा आ रहे हैं, मतलब उसके उस गैस की डिफ्यूज और इफ्यूज होने की टेंडेंसी की रेट भी ज्यादा होगी, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस ऑन टाइम, मतलब मोल्स ऑफ गैस पर यूनिट टाइम, यही उसकी रेट होती है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाहर ज्यादा आ रहे हैं तो उस गैस की डिफ्यूज होने की रेट भी ज्यादा होगी, ठीक है, अपन ने समझा है। और मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस पर यूनिट टाइम, ठीक है, जितनी ज्यादा गैस की वॉल्यूम बाहर आएगी उसका मतलब इस गैस की डिफ्यूज होने की टेंडेंसी भी ज्यादा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और मोल्स पर यूनिट टाइम से ही अपन गैस की डिफ्यूजिंग और डिफ्यूजिंग रेट को रिलेट करके बताता है, ठीक है। मैंने क्या क्या सीख लिया यहाँ पे, मैंने सबसे पहले सीखा डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होता है, उनकी डेफिनेशन की बात की थी, और उनकी रेट कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए भी मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन इज इक्वल्स टू मोल्स पर यूनिट टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ गैस पर यूनिट टाइम। चलते हैं अपन अपने डाम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन पे। अब सीख सकते हैं, अपन को पता है इफ्यूजन क्या होता है, और अपन को ये भी पता है डिफ्यूजन क्या होता है। अब पता नहीं है तो क्या नहीं पता है कि ग्राम ने क्या लॉ दिया था इफ्यूजन और डिफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पे थ्योरी की बात करेंगे। ग्राम एक स्कॉटिश केमिस्ट था, मतलब साइंटिस्ट था, ठीक है, केमिस्ट था सॉरी, और उसने क्या एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन होगा ये यहाँ पे, ठीक है, इफ्यूजन कर लेना, ऑफ अ वेराइटी ऑफ गैसेस थ्रू अ पोरस क्लिप बोर्ड एंड थ्रू स्मॉल एपरेचर, मतलब एक होल से जो गैस निकल रही थी, ठीक है, कंपेयरिंग डिफरेंट गैसेस को उसने कंपेयर किया एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसने क्या देखा, their rate of effusion work inversely proportional to the square root of their densities, मतलब ग्राम ने क्या बोला कि at constant pressure and temperature, जब उसने different different gases को compare किया
तो उसने उनकी रेट का क्या रिलेशन देखा, उनकी रेट का उसने ये रिलेशन देखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया, मेरे भी नहीं आया समझ में। तो अब मैं इसे अच्छे से समझूंगा, इसमें ये ग्राम्स लॉ होता क्या है, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक कोई पी पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने बना लिया पॉइंट पी, ठीक है, ये पॉइंट पी है, यहाँ की डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, मतलब ये सेम डिस्टेंस है, हमने दो गैसेस को छोड़ा, ठीक है, इधर से मैंने भेज दी 10 ग्राम H2 और इधर से मैंने भेज दी 28 ग्राम N2, सॉरी 10 ग्राम ही नाइट्रोजन भेज दें, ठीक है, मतलब इधर से हाइड्रोजन गैस को भेजा, इधर से नाइट्रोजन गैस को भेजा, तो क्या आप बता सकते हो इस पॉइंट P पे क्या पहले हाइड्रोजन पहुंचेगी या नाइट्रोजन गैस पहुंचेगी, ये चीज बता सकते हो? रेट क्या होती है, मतलब किसी भी प्रोसेस का टाइम पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे सबसे पहले कौन सी गैस आएगी, ये अपने कंडीशन लिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सिमिलर कंडीशन पे दोनों गैसेस को अपन ने रिलीज किया, डिस्टेंस भी सेम है, इस पॉइंट पे यहाँ पे पहले कौन सी गैस आएगी, बताओ कौन सी आएगी? पहले आएगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन ही क्यों आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की है, हाइड्रोजन का मोलर मास कम होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन गैस, और जो गैस हल्की होगी वो ज्यादा स्पीड से भाग पाएगी, इसलिए हाइड्रोजन पहले आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो रेट होगी वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास के। कैसे, अगर ये भागने की टेंडेंसी मान लो, एक बार आप समझने के लिए रेट को, अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो धीरे भागेगी, तो उसकी रेट होगी जो वो कम हो जाएगी, ये इनवर्स रिलेशन ही होता है ना, इसका मतलब यही होता है ना कि मोलर मास ज्यादा तो रेट कम, और इसी से ही अपन ने ये रिलेशन बनाया कि N2 का मोलर मास ज्यादा है तो ये बाद में पहुंचेगी, H2 हल्की है इसका मोलर मास कम है इसलिए ये सबसे पहले पी पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब ये रिलेशन अपन को समझ में आ गया, जब ये समझ में आ जाता है तो मेरे को मेरी आइडियल गैस इक्वेशन याद आती है, और वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती थी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआर टी। अपन ने इसकी एक डेंसिटी फॉर्म की भी बात की थी, आइडियल गैस की डेंसिटी फॉर्म, और वो क्या होती थी, पी एम मतलब पी इंटू मोलर मास, प्रेशर इंटू मोलर मास विच इज इक्वल्स टू डी आर टी, मतलब डेंसिटी। ये अपन ने कंडीशन कौन सी ली है, एक बार देखना फिर से, इधर आके घुमाना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, पता हो तो आर को गैस कॉन्स्टेंट बोलते हैं, तो आर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट होता है, इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास उस गैस का, उस गैस की डेंसिटी के इक्वल होगा, मतलब मोलर मास की जगह मैं यहाँ पे डेंसिटी भी लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, 1/√ ऑफ देयर डेंसिटी, ठीक है। पीछे चल के अगर मैं बात करूं तो ग्राम ने क्या बोला था, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज गैसेस की, और यही अपन ने पता कर लिया, समझ लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है या नहीं, अगर क्लियर है तो मैं यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, जगह है क्या, नहीं है तो जगह बनाएंगे नहीं है, तो एक बार इसको रफ कर देते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है, इतनी जगह अपने पास सफिशियंट है, पेन भी दूसरा लेंगे अपन,
ब्लैक ले लेते हैं। तो अगर मैं दो गैस की रेट को कंपेयर करूं, R1 अपॉन R2, इन दोनों के रेशियो को कंपेयर करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? R1 होती है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? उस गैस के मोलिकुलर वेट के। तो यहां पे मैं मोलिकुलर वेट ऑफ गैस 1 लिख सकता हूं, और R2 होगी वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो मैं यहाँ पे इसका ये रिलेशन बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। तो R1 अपॉन R2 इन स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस सेकेंड अपॉन मोलर मास ऑफ गैस फर्स्ट। और मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? अभी आपको पता हो तो अपन ने पीछे बात की थी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन होती है वो होती क्या है। जो गैस बाहर निकल रही थी उसकी कितनी वॉल्यूम बाहर आ रही थी पर यूनिट टाइम, वही रेट होते थे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? V1 T1 अपॉन V2 T2, ठीक है, यही रेट होती है कि कितनी गैस बाहर आ रही थी पर यूनिट टाइम पे, और जो गैस सेकंड थी उसकी कितनी वॉल्यूम बाहर आ रही थी पर यूनिट टाइम पे, उसका टाइम अलग। तो मैं रेट की जगह ये लिख सकता हूँ V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू। अब मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ? रेट किसके इक्वल होती थी? मोलर मास ऑफ सेकंड अपॉन मोलर मास ऑफ फर्स्ट। तो मेरे पास ये दो रिलेशन बन के आ गए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एक सिंपल से क्वेश्चन की, और उस क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रखा है, एक सैंपल दे रखा है सो टू गैस का एस्केप थ्रू ए होल जो, और टाइमिंग दे रखी है 1 to 2 सेकेंड। हाउ लॉन्ग वुड ऑक्सीजन टू टेक प्लेस अंडर सेम कंडीशंस टू इफ यूज द सेम वॉल्यूम थ्रू द सेम होल। मतलब क्वेश्चन में अपन को दो गैसेस दे रखी है, तो सबसे पहले दोनों गैसेस को अपन लिख लेंगे। एक हो जाएगी अपनी SO2, एक है O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, क्लियर, ये ऑक्सीजन गैस है। टाइमिंग यहां पे कितनी दे रखी है SO2 की? 1 to 2 सेकेंड यहां पे दे रखी है टाइमिंग SO2 की। तो और इसकी कितनी दे रखी है, यही अपन को फाइंड करनी है, ठीक है, और अंडर सेम कंडीशंस इफ द सेम वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम भी दोनों की सेम है, मतलब अपन वी वॉल्यूम मान लेते हैं। तो अगर अपन को टाइम कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब ये एस्केप हो रही थी गैस, तो अपन इनकी रेट को कंपेयर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। रेट को कंपेयर कैसे करेंगे? जैसे मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया सेकेंड, या फिर चलो SO2 और O2 से कर लो, रेट ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ O2, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होती है? इस इनके मोलर मास के इनवर्स के रूट के, मतलब यहाँ पे मोलर मास किसका आएगा? ऑक्सीजन का। यहाँ पे किसका आएगा मोलर मास? SO2 का। दोनों का ये मोलर मास का रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट के, तो ये अपन ने लिख दिया। और अभी अपन ने पीछे देखा रेट क्या होती है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो वॉल्यूम सेम थी और टाइम SO2 का, और यहाँ पे वॉल्यूम सेम टाइम O का O2 का, ठीक है। तो मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ? वॉल्यूम अपॉन टाइम ऑफ SO2 अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह? वॉल्यूम सेम अपॉन टाइम किसका? ऑक्सीजन का। वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, पीछे क्या बचा? टाइम ऑफ SO2 अपॉन टाइम टेकन बाय O2 गैस, यहाँ पे इनके मोलर मास का रूट, ठीक है। मोलर मास यहाँ पे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32 अपॉन मोलर मास ऑफ SO2 का कितना होगा? 64, ये जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे, और ये मेरे को दे रखा है कितना? 1 to 2, तो मैं इनकी यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे,
आई थिंक अपन ने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कुछ नहीं की। ये जब वी से वी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे टाइम किसका होगा ओ टू का, और यहाँ पे टाइम किसका होगा एस ओ टू का। सॉरी ये गलती हो गई थी, तो यहाँ पे एस ओ टू का अपन को टाइम दे रखा है 122 सेकेंड, और टी का फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे ओ टू का फाइंड करना है, अपॉन 122 इज इक्वल्स टू कितना आया, यहाँ पे ऊपर तो 1 ही रहा, 1 का रूट 1 ही होता है, और नीचे √2। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो टी ओ टू इज इक्वल्स टू, ये 122 ऊपर चला जाएगा, 122 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 61 × 2 लिख सकता हूँ, है ना, अपॉन √2 से ये जाएगा, √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास टाइम टेकन कितना आ गया ऑक्सीजन का, 61√2 सेकेंड, और यही अपन को बताना था। सिंपल है, बस रेट का रेशियो कंपेयर करना है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन देख लो, इसके बाद में अपन चलेंगे कि यहाँ पे तो अपन ने बात की थी अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को अपन ने कॉन्स्टेंट लेके बात की थी, वहीं अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट ना हो तो यहाँ पे मैं क्या हेडिंग लिखूंगा, इफ प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट, कि अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो कैसे कंपेयर करूंगा। वही सेम, मैं दो कंटेनर ले लिए मैंने, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे एक, ये दोनों पिस्टन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया 5 ATM, पहले सेम प्रेशर था, इस कंटेनर पे प्रेशर लग रहा है 15 ATM, ठीक है, यहाँ पे गैस फिल कर रखी थी और यहाँ पे भी गैस फिल कर रखी थी, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा, ये छोटे छोटे होल है दोनों में एक एक। अब बताओ यहां से जो गैस निकलेगी उसकी रेट ज्यादा होगी, या यहां से जो गैस निकलेगी उसकी रेट ज्यादा होगी, दोनों में से कहाँ से गैस के ज्यादा मोल्स यानी गैस की ज्यादा वॉल्यूम रिलीज होगी, कहाँ से होगी। अगर यहाँ पे प्रेशर गैस पे कितना है 5 ATM, तो यहाँ से गैस कम होगी एज कंपेयर टू दिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कितना है गैस का 15, अगर प्रेशर ज्यादा है तो गैस यहाँ से धक्का ज्यादा लगाएगी, तो यहाँ से गैस जल्दी बाहर आएगी और ज्यादा बाहर आएगी, तो मैं यहाँ पे रेट को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। इतना तो मेरे को पहले ही पता था कि रेट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसके उस गैस के मोलर मास के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, प्रेशर के, जितना ज्यादा प्रेशर होगा रेट उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से गैस भी ज्यादा बाहर निकलेगी जल्दी फास्ट, यहाँ प्रेशर कम है तो यहाँ से कम गैस बाहर आएगी, ठीक है, बात समझ में आई। और ये कहाँ पे है, पहले अपन ने किसके लिए बात की थी, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट हियर इट इज ओनली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लेके चल रहे, तो अगर मेरे को दो गैस की रेट कंपेयर करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली, m2/m1, ठीक है, ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी। और ये भी क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और अगर प्रेशर के बारे में अपन को दे नहीं रखा कि प्रेशर कौन बता नहीं रखा कि प्रेशर कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट ही लेके चलेंगे। अगर प्रेशर के बारे में दे रखा हो कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो अपन गैस दो गैस की अगर रेट कंपेयर करवाता है तो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, क्लियर बात। और वहीं ये अपने काम आ सकता है थोड़ा बहुत, और अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, वो अपने कभी काम में नहीं आता है, बट फिर भी एक अपन पॉइंट डाल के लिख लेंगे, ये नॉट इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी लिख लेते हैं, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर नॉट कांस्टेंट, तब रेट किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और रूट टी और उसके मोलर मास के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट के, ये कभी काम में नहीं आएगा बट फिर भी अपन ने लिख लिया है, ठीक है।
अब बात करेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉर 10 मिनट ईच एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम टू आइडेंटिकल होल्स नाइट्रोजन एंड अननोन गैस आर लीक्ड इनटू अ कॉमन वेसल जिसकी वॉल्यूम अपन को दे रखी है 4 लीटर कैपेसिटी। द रिजल्टिंग प्रेशर अपन को गिवन है 2.88 atm एंड द मिक्सचर कंटेन्स 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मोल्स भी बताया अपन को, और अपन को बताना बताना क्या है यहाँ पे, मोलर मास बताना है किसका, उस अननोन गैस का जिसको अपन ने 10 मिनट तक फिल किया 4 लीटर के वेसल में। मतलब मैं सबसे पहले एक कंटेनर बना रहा हूँ, सॉरी 4 लीटर का, इसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है मेरे को, 4 लीटर। ठीक है, यहाँ पे दो होल है, इस होल से अपन ने मान लिया कि गैस आ रही है कौन सी, नाइट्रोजन। इस होल से आ रही है गैस कौन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कुछ भी अननोन गैस है, कोई एक गैस आ रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे 0.4 मोल इस कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन के मोल्स अपन को गिवन थे, कहाँ पे गिवन थे, ये रहे, उस मिक्सचर के अंदर 0.4 मोल तो नाइट्रोजन के हो जाएंगे। और यहाँ पे इस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो अपन को गिवन है 2.8 atm, प्रेशर भी गिवन है। तो 10 मिनट बाद होल्स को अपन क्लोज कर देंगे, ठीक है, इनको बंद कर दिया अपन ने, ना ही गैस अंदर आ रही है ना ही बाहर आ रही है। अब इस मिक्सचर के अंदर सबसे पहले अपन को मोलर मास बताना है उस गैस का, अननोन गैस का, जिसको जिसका अपन को कुछ आइडिया नहीं दे रखा हो। सबसे पहले मेरे को ये ऐसे सिचुएशन आ जाए तो मेरे को क्या याद आती है, मेरी पीवी इज इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। इससे मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे इस कंटेनर में गैस के टोटल मोल्स फाइंड कर लूँ, टोटल मोल्स क्या होंगे, N2 के मोल्स और उस अननोन गैस के मोल्स, तो टोटल मोल्स फाइंड करके नाइट्रोजन के मोल्स उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इसके मोल्स मिल जाएंगे गैस के, और फिर मैं इसका मोलर मास भी निकाल सकता हूँ रेट कंपेयर करके। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन मोल्स देखेंगे, तो टोटल मोल्स के लिए RT नीचे चला जाएगा, तो PV अपॉन RT। प्रेशर अपन को 2.8 गिवन है, वॉल्यूम कंटेनर की अपन को गिवन है 4, और यहाँ पे R की वैल्यू होती है 0.0821, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा हो। तो अपन को टेम्परेचर हमेशा किस में लिखना होता है, इस इक्वेशन में, केल्विन में, कान में लेते हैं अपन, और केल्विन में डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, +273 ऐड करके। तो 0 + 273 केल्विन इज इक्वल्स टू 273 केल्विन मल्टीप्लाई 273 केल्विन। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में मल्टीप्ली क्वेश्चन किया था इसका कितना आता है, 22.4, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 22.4। ठीक है, अब जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहां से पहले इसका देखेंगे 4 to the 8 और 32, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे अपने पास अप्रोक्स आएगा 11.2। 11.2 से ये चला जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, हाफ, या फिर बोल सकते हैं 0.5 मोल्स। अब उस गैसीय मिक्सचर के टोटल मोल्स कितने आए, 0.5, मतलब यहाँ पे टोटल मोल्स कितने आए अपने पास, 0.5। और वहीं अगर मोल्स ऑफ दैट अननोन गैस फाइंड करने हो तो टोटल मोल्स माइनस नाइट्रोजन गैस के कितने मोल्स है यहाँ पे, 0.4, मतलब उस गैस के मोल्स कितने आए यहाँ पे, 0.1 मोल, मतलब जो अपने पास एक अननोन गैस है उसके मोल्स कितने हैं, कितने मोल्स है, 1.1 मोल है। अब बताना क्या है यहाँ पे, मोलिकुलर वेट बताना है अपन को, उस गैस का मोलर मास बताना है। मोलर मास कैसे बताएंगे, अपन को रेट का फॉर्मूला पता है, दोनों की रेट कंपेयर कर लेंगे, रेट ऑफ N2 अपॉन रेट ऑफ दैट अननोन गैस इज इक्वल्स टू दोनों के मोलर मास का रेशियो, इनवर्स रेशियो का रूट यहाँ पे ये हो जाएगा। अब रेट है, रेट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं रेट को,
मोल्स पर यूनिट टाइम, मोल्स पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल कितने थे, टाइम कितना था, दोनों में सेम था। अननोन गैस के मोल्स कितने थे, 0.1। टाइम अगेन 10, 10 से 10 जाएगा। और मोलर मास ऑफ गैस अपन को फाइंड करना है, और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, एक का 14, दो का 28, यहाँ पे 28। अब यहाँ पे कितना बचा, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, तो 4 upon 1 = √m/28। दोनों का अपन दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे 16 = 1 का स्क्वायर वन ही होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ दैट गैस अपॉन 28, 28 ऊपर जाएगा, तो मेरे पास मोलर मास ऑफ गैस आ जाएगा, और वो आ जाएगा 448 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। इजी है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं एकदम धीरे धीरे कर सकता हूँ, सॉरी धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ। और आप और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस को ट्राई करना, तो आप इजीली फास्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड। उस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, ये अगर वेपर डेंसिटी के फॉर्म में दे दे, कि जैसे वेपर डेंसिटी पूछ ले, 1 लीटर ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, मतलब गैसियस मिक्सचर है 1 लीटर का, उसमें दो गैसेस फिल कर रखी है अपन ने, और टू गैसेस इफ यूज 311 सेकेंड। टाइम भी दे रखा है व्हाइल 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वॉल्यूम दे रखी है, और टाइम टेकन दे रखा है। द वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग CH4 एंड H2 इज, मतलब अपने पास गैसियस मिक्सचर था जिसकी वॉल्यूम कितनी थी, 1 लीटर मिक्सचर। ठीक है, ये गैसियस मिक्सचर था, और टाइम टेकन कितना था इसमें, इतना गिवन है। ये अपना हो गया, ऑक्सीजन की वॉल्यूम दे रखी थी, और टाइम टेकन कितना था, 20 मिनट। यहाँ पे टाइम सेकंड में था, तो दोनों साइड अपन टाइम सेकंड में लेंगे, सेकंड में लेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1200 सेकेंड्स टाइम आ जाएगा। दोनों की रेट को कंपेयर कर लेंगे, रेट ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ O2 गैस इज इक्वल्स टू, रेट को क्या बोलते हैं अपन, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और इसकी रेट को भी अपन किस में लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट टाइम। ये किसके इक्वल होती थी, रूट ऑफ मोलर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ देयर मोलर मासेस। तो यहाँ पे ऊपर किसका आ जाएगा, O2 का मोलर मास, और नीचे आ जाएगा मिक्सचर का मोलर मास, और यही अपन को फाइंड करना था। तो यहाँ पे सब की वैल्यू अपन को गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ये एम मिक्सचर आ जाएगा, जब मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। बताइए, बताना क्या, यहाँ पे वेपर डेंसिटी पूछा इसने, सॉरी। तो यहाँ पे अपन मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास की हाफ, मोलर मास की हाफ ही वेपर डेंसिटी होती है। तो अपने पास अगर यहाँ से मोलर मास निकल के आ जाता है, तो इसको अपन डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट करना। यहाँ पे सारी मैंने वैल्यूज दे दी है, ये वैल्यूज इजीली आप यहाँ यहाँ पुट करके आंसर निकाल सकते हो, और अपना जो फाइनल आंसर आएगा इसका, वो आप कैलकुलेट करके देखना, 4.3 के अप्रोक्स ही आएगा उसकी वेपर डेंसिटी, किसकी, गैसियस मिक्सचर की, जिसमें CH4 और H2 गैस फिल कर रखे थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जैसे मैं एक और हेडिंग लिख रहा हूं, और उसके अंदर अपन देखेंगे इफ इनिशियल मोल रेशियो ऑफ गैसेस इन अ मिक्सचर इज गिवन। ठीक है, मतलब ये मेरे पास कोई मिक्सचर है जिसमें दो गैसेस है, एक मैंने ले ली गैस 1, एक मैंने ले ली गैस 2। ठीक है, ये दो गैसेस है, इनका अगर अपन को इनिशियल मोल रेशियो दे रखा हो कि मोल रेशियो क्या होगा, इसके मोल्स क्या होंगे और इसके मोल्स क्या होंगे, गिवन हो, और अपन से पूछ ले कि कितने मोल्स बाहर निकलेंगे, मतलब
यहाँ पे जो होल था इससे गैस बाहर आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे N1 आउट और N2 आउट, ठीक है? ये पूछ ले कि जो इनिशियली गैस बाहर आ रही है, फर्स्ट गैस के कितने मोल्स बाहर आ रहे हैं, या फिर सेकंड के गैस सेकंड के कितने मोल्स बाहर आ रहे हैं। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो रेट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एन अपॉन रूट एम। रूट एम के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। एन के कैसे? जैसे जितने ज्यादा मोल एन के बाहर आ रहे हो, ठीक है, उतनी ही इसकी रेट ज्यादा होगी। जितनी रेट ज्यादा होगी उतने ही एन बाहर आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जो अपन ने अभी तक पहले सीखा है, क्या सीखा? रेट ऑफ गैस फर्स्ट क्या होगी, मोल्स पहली के कितने बाहर आ रहे हैं, अपन नए पे से ही करेंगे। यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ गैस 1, गैस 1 की रेट कितनी होगी, मोल्स ऑफ गैस 1 कमिंग आउट। मतलब अगर गैस की रेट ज्यादा होगी तो बाहर निकलने वाली गैस की अमाउंट भी ज्यादा होगी, अमाउंट मतलब मोल्स ज्यादा होंगे, अपॉन टाइम टेकन। इसकी अपने पहले ही बात कर रही थी कि रेट ऑफ गैस क्या होती है, मोल्स कमिंग आउट पर यूनिट टाइम और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वहीं अपन बात करते हैं रेट ऑफ गैस सेकेंड, तो इसमें क्या लिख सकता हूं मैं, मोल्स ऑफ गैस 2 कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, तो अपॉन टाइम टेकन, ठीक है? तो इसको क्या बोल सकते हैं, N1 आउट, N1 के कितने मोल्स बाहर आए पर यूनिट टाइम में, और N2 के कितने मोल बाहर आए गैस के आउट पर यूनिट टाइम, ठीक है? और इन दोनों को कंबाइनली मैं कंपेयर करके क्या लिख सकता हूँ, इनकी रेट का रिलेशन टी से टी चला जाएगा, तो N1 आउट अपॉन N2 आउट, और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? और पहले क्या जानता था मैं कि R1 अपॉन R2 इसके, अभी मैंने पहले देखा कि R रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन, एक तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल के और स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यही होता था। R1 अपॉन R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, उस गैस के इनिशियल मोल्स कितने थे मिक्सचर में और गैस के मोलर मास का रूट M2 अपॉन M1, इनवर्सली रिलेशन था ये। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करके देखता हूँ, इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो देखना कि R2 को मैं N1 आउट N2 आउट के इक्वल लिख सकता हूँ, तो इन इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मेरे पास जो मेरी इक्वेशन बन के आएगी वो इक्वेशन क्या आएगी, N1 आउट अपॉन N2 आउट इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 और M2 अपॉन M1। ये इक्वेशन बनी मेरी। अगर गैस का मोल्स रेशियो अपन को दे रखा हो मिक्सचर का क्या होगा, तो कितनी गैस बाहर आई वो अपन बता सकते हैं, समझेंगे एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिक्सचर ऑफ S2,
एच टू कर लो, एस टू नहीं है ये, एच टू एंड ओ टू इज इन टू रेशियो वन, मतलब ये 2:1 मोल रेशियो दे रखा है अपन को। अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू अ होल, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर आउट इनिशियली, मतलब जो मिक्सचर बाहर निकल रहा था गैस का, उसके इनिशियल मोल्स कितने बाहर आएंगे, मतलब एच टू और ओ टू गैस दे रखी, इनका मोल रेशियो दे रखा कितना, 2:1। एक होल था छोटा सा जिससे गैस बाहर आ रही थी, ठीक है, ये गैस यहाँ से बाहर निकल रही थी। इस मिक्सचर की अपन को कंपोजिशन बतानी है कि इनिशियली कितने मोल्स बाहर आ रहे थे एच टू के और कितने मोल्स बाहर आ रहे थे ओ टू के, ये बताना है। तो अपने पास अभी अपन ने इक्वेशन देखी थी वो क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू आउट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू आउट इज इक्वल्स टू देयर मोल रेशियो, मतलब पहले लिख ही लेते हैं एक बार तो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मोल रेशियो और मोलर मास ऑफ ओ टू अपॉन मोलर मास ऑफ एस टू के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो मोल रेशियो अपन को गिवन है 2, तो 2:1 √36 इसका कितना होता है 2, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 32 अपॉन, सॉरी, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो का कितना होगा 32, 32 अपॉन एक हाइड्रोजन का 1, दो हाइड्रोजन का 2, 2 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, और 1 का रूट 1, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 1 2 अपॉन 1 और मल्टीप्लाई ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू ये क्या, जितने मोल्स इनके बाहर आ रहे थे, मतलब NH2 अपॉन NO2 आउट आउट जितने मोल्स बाहर आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, मतलब मिक्सचर के, उनका रेशियो अपने पास क्या आया 8:1, मतलब इसका फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा 8:1। ठीक है, आई थिंक आज की वीडियो को अपन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक सेपरेशन टेक्निक होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड एट लास्ट विल टॉक अबाउट डार सॉरी केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अपन स्टार्ट करेंगे और उसके एजम्पशंस के बारे में देखेंगे और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।